हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग आज की थोड़ी डिफरेंट है। अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है इस हफ्ते जो आपके लाइफ में हो सकता है। मैं जैसा मानती हूँ कि टैरोट का रीडिंग मेरी लाइफ में जो असर कर गई है तो वो दो चीज़ों से है। जैसे हम लोग कार्ड ऑफ द डे करते हैं, तो मैंने एक्चुअली वीक का रीडिंग करी तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिव होता है तो उसके ही लिए हमें एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है, और नेगेटिव के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मुझे बहुत दो चीज़ें बहुत असर कर गई है। इसके लिए मैं ये रीडिंग बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि दो चीज़ों से आप गाइडेंस ले सकें। जो निगेटिव मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन का कार्ड आया था, और मेरे कलीग को मैंने बोला था कि मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, आपको कहीं से कॉल रिसीव होने की स्कोप है। तो उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई की थी और उनका अचानक से फ़ोन घर पे भूल गए, और वो कम्युनिकेशन ना रिसीव करने के चक्कर में उनकी वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो वो एक नुकसान हो गया। अगर वो बात पे ध्यान दिया होता, फ़ोन पे नज़र रखी होती तो बहुत फ़र्क पड़ता। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि एक मेरे हस्बैंड के केस में आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड आया था, फाइव ऑफ वैंड्स का, और मैंने कहा था कि आप आज आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने वो चीज़ अचानक से ध्यान में रखी थी और उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जाने से बच गया। अगर वो आर्ग्यूमेंट में जाते थे तो क्लाइंट वो प्रोजेक्ट शायद रिजेक्ट कर देते। तो बस इतनी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसके लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो रीडिंग शुरू करते हैं। मेजर अरकानास, टैरोट और फिर एंजल आंसर्स देखेंगे। और मुझे तो लगता है कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है सब कुछ, बस कुछ सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की पॉजिटिव अट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या करते हैं। प्लीज इन्वेस्ट गाइड मी। इस हफ्ते स्पिरिचुअल होने का बहुत मौका मिलेगा आपको, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग मैरिज के लिए मतलब शादी के लिए देख रहे हैं, तो शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका रिश्ते के बारे में कोई खबर आ जाए, पॉजिटिव खबर आ जाए। तो बहुत बड़ी स्कोप लग रही है कि शादी की बात हो सकती है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ने की मुझे बहुत संभावना ज़्यादा लग रही है। द चैरियट अगेन मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड, कि जिस तरह से आप इमोशनल और एनर्जेटिक बैलेंस में आने का मुझे बहुत स्कोप लग रहा है, और चीज़ें जो आपकी तरफ रुकी थी वो मोमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ख़ास करके जॉब है, बिजनेस है, या फिर आपके पार्टनर की मूवमेंट्स है, कम्युनिकेशन है, उसमें मूवमेंट होते हुए मुझे बहुत नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़र्क बहुत दिखेगा, क्योंकि मूवमेंट है। ऐसा जो हैंगआउट सिचुएशन थी, हैंग सिचुएशन, उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत नज़र आ रहा है। हैंग मैन, मैंने कहा ना कि चीज़ें जो हैंग थी वो मुझे मूवमेंट करते नज़र आ रही है। तो चीज़ें हैंग है लेकिन मूवमेंट आ गया है। चीज़ें आपकी लाइफ में हैंग है, कुछ लोगों के सिचुएशन में हैंग रह जाए, वो हैंगिंग सिचुएशन कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि वो उनके लाइफ का फेज़ है। एक वक्त की बात है, जो सबका वक्त तो सब सिमिलर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो वो सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लाइफ में शायद वो चीज़ें हैंग ही रहे कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के जहाँ पे काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त से सिचुएशन अगर हैंग हो गई थी, या उनके जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह जो भी चीज़ें थी, या उनको कहीं से जॉब का कॉल ही नहीं आ रहा था, बिजनेस का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हुए नज़र आ रही है। तो आप प्लीज़ मेडिटेशन बहुत अच्छे से करिए। द लवर्स,
तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। जो लोग अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो डिसीजन क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड पार्टी के और आपके बीच में चूज़ करना है, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका सोल लेवल पे, सोल अवेकनिंग पे लवर्स की चॉइस हो चुकी है। उनको अपनी लवर्स की पहचान हो रही है, बहुत ही डीपर लेवल पे, सोल लेवल पे वो कनेक्शन फील होते हुए मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रोमांटिक, या फिर उनकी तरफ से कोई आपको कॉल मैसेज आने की स्कोप है, या एक फीलिंग है, एक रोमांटिक फीलिंग आपको फील होने की बहुत आशंका है कि वो आपको याद कर रहे, मिस कर रहे, वो मुझे बहुत फील हो रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से चॉइस हो चुकी है कि आपकी तरफ झुकाव हो चुका है और वो मूवमेंट नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे वो रिश्ता मैरिज तक भी पहुँचते हुए दिख रहा है। बॉटम ऑफ डेक है सन, वेरी गुड। अगस्त अगस्त और अगस्त, कुछ लोगों के केसेस में मुझे अगस्त बहुत उम्मीद दे रहा है। तो जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से मेरी रीडिंग्स अगर फॉलो करते हैं और आपकी हीलिंग पे आप ध्यान रहे, आपकी मेडिटेशन पे आप ध्यान रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे ध्यान रहे, तो आपको आपकी हैंग सिचुएशन में मुझे बहुत उम्मीद नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रहा है, सोल हैप्पीनेस, मतलब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की बहुत बहुत उम्मीद है। मतलब आपको कम से कम क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी। आपके मन में जो अशांति है, आपके मन में जो बहुत ही डिस्टर्बेंस है, बहुत ही बेचैनी है, बहुत दुख भरा है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहा है। मेरे लिए मेरे हिसाब से तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ख़ास करके जब आज से जो 8-8 लैंड गेट पोर्टल खुल चुका है, तो बहुत उम्मीद है मुझे, बहुत मतलब बहुत उम्मीद है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। प्लीज़ चैरियट का कार्ड यहाँ से भी आ रहा है, डेफिनेट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। साइन से यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर साइन मुझे दिख रहा है। वाटर साइंस भी आ गए हैं सब, कैंसर और पाइसिस और स्कॉर्पियो। तो 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओहो, पेज ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहे हैं, वाओ, कम्युनिकेशन रिसीव होने की बहुत पूरी संभावना। जैसे मैंने कहा था कि हैंग सिचुएशन,
जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन रिसीव हो, स्पेशली अभी 8 आवर्स में हो, 8 डेज़ में हो, और ख़ास करके आज के बाद तो पॉसिबिलिटीज़ है. आप प्लीज़ प्लीज़ मेडिटेशन और वाइब्रेशन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे बहुत ध्यान दें. बहुत चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा तरीके से बदल रही है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उस मौके का फ़ायदा उठाइए. आपके मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए. जो एनर्जी यूनिवर्स फैला रही है, मतलब अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला रही है, एक मौका दे रहे हैं, तो आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना है. आपके मेडिटेशंस को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप इसमें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हो. तो प्लीज़ ये जो वक्त है, रोने धोने में वेस्ट मत कीजिए. प्लीज़ ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और आपकी मतलब बहुत पॉजिटिव होने की बहुत स्कोप है. जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में हैंग थी, आपकी कार्मिक सिचुएशन थी, आपकी कार्मिक लाइफ थी, इनफैक्ट आपके पार्टनर का कार्मिक की तरह बिहेवियर होना, जो आपके लाइफ का जो पैटर्न हो गया था, मतलब ये जो आपका जो सेपरेशन है, आपका जो मतलब सेपरेशन हुआ था आप में, जो इवन रिश्ता होते हुए भी एक अजीब सा डिस्टर्बेंस आ गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन अचानक से आ गई थी, या जो भी सिचुएशन है, मतलब कुछ रीज़न से, कुछ कार्मिक पैटर्न की वजह से, कुछ कार्मिक साइकिल की वजह से आपके रिश्ते में अगर दरार आई थी, तो वो सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा समय है. क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू आप इस वक्त में आप अगर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हैं, तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी चेंज कर सकते हैं, उनकी अवेकनिंग कर सकते हैं. अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है, आपके लिए सच्चा है, आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए अगर बना है, तो ज़रूर आपकी वो जो एनर्जीज हैं वो काम करेगी, और चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिवली मूव करेंगी. सेम वे इवन आप जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हर चीज़ पॉजिटिव में बहुत बदल सकती है, बहुत ही ज़्यादा बदल सकती है. मतलब कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो और आपका कभी से क्लियर नहीं हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो प्लीज़ मेहनत करें. ये वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ में क्लैरिटी मिले, बहुत स्कोप है. तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन होते हुए भी नज़र आ रहा है, तो वो एक सिचुएशन है. कुछ लोगों में दिख रहा है कि शायद बीमार पड़ने का स्कोप है, मतलब आपको अपने अंदर ही शायद फिजिकल लेवल पर बीमारी भी हो सकती है, लेकिन आप है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आपके अपने ही अंदर डिप्रेशन या निगेटिव एनर्जीज की वजह से बीमार पड़ते हो, मुझे नज़र आ रहे हो. लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है, हीलिंग प्रोसेस आपको करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है. काम पे आपका ये हफ्ते बहुत फोकस करना है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है. क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मतलब क्या, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मेहनत है, वहाँ पे फल भी मिलता हुआ मुझे नज़र आए. जहाँ पे आपके कर्म हैं, वहाँ पे फल भी मिलता हुआ मुझे नज़र आए. कि मतलब आप जितना मेहनत करें ना, उसका फल मिलने का अभी मुझे ऐसा लगता है कि कब वक्त आ रहा है. क्योंकि कुछ वक्त हो रहा है कि आप सिर्फ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है. तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका अच्छा जॉब, जो आप प्रमोशन चाहते थे, या कुछ भी जो आपके लाइफ में एक हायर गोल था, या थोड़ा स्पेशली फाइनेंस में स्टेबिलिटी, फाइनेंस में जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, मतलब बहुत सिर्फ इम्प्रूव नहीं, अच्छी होती हुई मुझे नज़र आई. और जहाँ तक मैंने कहा ना, चैरियट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ चीज़ों के मूवमेंट होने लगी है. तो ये जैसे मैंने कहा है कि इस वक्त का फ़ायदा ज़रूर उठाए. अगेन मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है. आप निगेटिव इमोशंस में रह सकते हैं कि जो सपोज कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी लूज़ की है, या फिर पार्टनर का कुछ अता पता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं. क्योंकि आप इस नेगेटिव एनर्जी में रहने का स्कोप है, क्योंकि आप देख नहीं रहे. आप अगर देखेंगे तो आप देख नहीं रहे कि आपने क्या खोया है, वही आप देख पा रहे हैं. आपके पास क्या है, ये 2 ऑफ कप्स आपके बाकी है, वो आप देख नहीं पा रहे.
तो इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको कि जो खोया है या कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप ही ध्यान दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है आपको। जो अपने पास है या हो सकता है उसके ऊपर ध्यान देना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, शादी के मुझे बहुत स्कोप लग रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी साथ आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों की, मतलब मैंने कहा ना हायरोफंट का भी मैसेज कार्ड आया है, तो मुझे कुछ लोगों के केसेस में, खास करके शादी के बाद अगर आपकी अटकी पड़ी थी तो मुझे वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। आपको रिश्ता आ सकता है या रिश्ते का जो जवाब था वो पॉजिटिव आने का मुझे बहुत बहुत स्कोप लग रहा है, तो वो है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगेन मुझे बहुत दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं कि आपका फाइनेंसेस काफ़ी इंप्रूव होने की बहुत स्कोप लग रही है ये हफ्ते। अचानक से होगा, पेज ऑफ कप है, अचानक से होगा। आपके पार्टनर शायद अचानक आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कहीं से आके आपको सरप्राइज दे सकते हैं, कम से कम दोस्त की तरह अच्छे से बात कर सकते हैं अगर कितने दिनों से रुखे सुखे से बात करें। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, अगेन दिल टूटने की बहुत स्कोप है कि आप मेहनत कर रहे हो या फिर मतलब कुछ बहुत कुछ किया है, या पार्टनर की तरफ कॉल भी आए तो उन्होंने ऐसी कुछ बात की है जो दिल दुखा दे, तो वैसा भी स्कोप है कुछ केसेस में या कुछ भी हो कि हर्ट हो जाए, आप हर्ट हो जाए, दिल टूट जाए आपका, कि ऐसा कुछ हो जाए। इवन सिर्फ पार्टनर की तरफ से नहीं, या फिर अगर किसी तरह आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है कुछ भी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन में आपको निगेटिव रिस्पॉन्स आने की वजह से आपको दिल टूट सकता है, वो एक है चीज़ें। और इस हफ्ते आप दो चीज़ों के बारे में जगल करते हो नज़र आ रहे हो, जैसे कि सिचुएशन में मूव करूं कि नहीं करूं, पार्टनर का कॉल आएगा कि नहीं, क्या करूं, वेट करूं नहीं करूं, या फिर दो जॉब है कौन सा करूं नहीं करूं, और बिजनेस प्रपोजल्स है या कुछ भी है, तो दो चीज़ें बहुत आप जगल करते हुए दिख रहे हो। और ख़ास करके आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू कुछ लोगों में बहुत हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से टाइम करूं, मतलब इसको पहले टाइम दूं कि उसको टाइम दूं, और कैसे मतलब सब कुछ एक साथ करूं, वो आप टाइम मैनेजमेंट का इशू से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। और फिर है डेविल, कि आप मतलब आपको थोड़ा निगेटिव एनर्जी से या निगेटिव लोगों से या निगेटिव आदतों से, बुरी आदतों से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जीज आपको पॉजिटिव की तरफ जाने से रोकेगी। आपके एडिक्शंस हैं या फिर आपका पार्टनर के लिए ज़्यादा ही रोना धोना जो ऑब्सेशन बन गया है, तो वो आपको पॉजिटिव मिलने से रोक सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। खास करके आपको मतलब कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं इस हफ्ते, तो जहाँ पे भी आप जाए तो पानी पीते वक्त बहुत ध्यान दे, स्पेशली अपना पानी, अपनी पानी की बॉटल पॉसिबली अपने साथ कैरी करे, नहीं तो अलग से खरीद के या जो भी पिए, बट जहाँ से भी आप पानी पी रहे, स्पेशली आपको लग रहा है कि अननोन पीपल है, तो बहुत सतर्क रहे, थोड़ा ध्यान दे दे कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे, बहुत ध्यान दे। और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है जो बता रही है कि आप है ना बहुत ही दिमाग से सोचने वाले हो, जैसे कि आपको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, आपको बहुत मतलब आपको अभी ना चीज़ों में ना क्लैरिटी बहुत चाहिए, कि जैसे कुछ भी गलत सलत है या फिर गलत चीज़ें, गलत लोग बर्दाश्त करने के मोड में दोनों में मुझे लग नहीं रहे हो, बहुत ही कट थ्रोट एनर्जी, मतलब कोई सही नहीं लग रहा है तो आप इमिजिएटली उसको कट करना चाहोगे, कोई चीज़, कोई बात किसी की गलत लग रही है तो इमिजिएटली उस बात को आप काटना चाहोगे, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में लग रहे हो, दिमाग से बहुत इंटेलिजेंटली और शार्पनेस सोच रहे हो, ऐसा इस हफ्ते लग रहा है, तो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन बात करते वक्त थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि हर वक्त बातों को काटना हर सिचुएशन में सही नहीं हो सकता, तो आप ज़रा मौके का ध्यान दे दे, किस लोगों के साथ आप डील करें उसका ध्यान दे, बस इसकी ज़रूरत है कि आपको समझना है तो आपको पॉजिटिव क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ मूव हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैरिज प्रपोजल्स की बहुत पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है,
लेकिन आपको बचना क्या है, तो आपको बात करने के वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। माना कि आप सही चीज़ों के लिए ही किसी को कट कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे हो, किसके साथ हो, आप किससे बात कर रहे हो, वो ज़रा ध्यान दे दें। भले कोई कितना भी आपका दिल तोड़ने की कोशिश करे, बट अपने दिल को संभालना आपका काम है। बार बार कोई उसके पर घाव लगाए, इससे पहले अपने दिल को मजबूत करना सीखिए। ये मेरी सजेशन है। अपनी बुरी आदतों से और निगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना सीखे। जैसे मैंने कहा है कि सॉल्ट बाथ की एक रेमेडी है, तो वो है। और निगेटिव होने से बचना है, काम पे पूरा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कर्म का फल मिलने की बहुत संभावना है। और अपने आप को बीमारियों से बचाना है, अपने आप को बीमारियों से बचाना मुझे बहुत ज़रा नज़र आ रहा है। तो बहुत आपके लाइफ में अभी सूर्य सवेरा होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, तो वो उसकी बात ज़रूर ध्यान दीजिए। और कम्युनिकेशन होने का स्कोप है आपको, अगर कहीं से भी, तो प्लीज़ अपने फ़ोन पे नज़र रखे। फ़ोन दिल पे लगा के नहीं बैठने के लिए बोल रही हूँ कि आपका पार्टनर का कॉल कब आएगा, वैसे नहीं। जस्ट कॉशियस रहना है कि खास करके जो बिजनेस है, जॉब है, ऐसे सिचुएशन में कॉल मिस ना कर पाए, ये एनर्जीज को आपको ध्यान देना है। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। इट्स अप टू यू, मुझे भी लगता है कि इट्स अप टू यू। आपको क्या करना है, ये इट्स अप टू यू। आपको आपको सोचना है, आपको समझना है, मतलब मेहनत आपको करनी है, फल भी आपको मिलने वाला है। छोड़ना नहीं छोड़ना, मूव ऑन करूँ, ये करूँ वो करूँ, आपको गाइड कोई कर सकता है, सजेशन कोई दे सकता है, बट हर चीज़ आपको अपने डिसीजन खुद लेना, इट्स अप टू यू। इम्प्रूविंग हेल्थ, जैसे मैंने कहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। हेल्थ की बहुत टेंशन हो सकती है, फिजिकली लिटरली आप बीमार पड़ सकते हो, डिप्रेशन जैसा फीलिंग है, तो वो एक उसमें आप जा सकते हो। तो अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान दे दें, पूरी तरह से। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सब मेरे सपने हैं, ये मेरे लिए ये दुनिया इन द सेंस कि ये जो मैंने जो सोचा है, मैंने जो अपने सपने देखे हैं, मैंने जो चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये सब सच हो जाएगा, ये मेरे लिए हो सकता है। इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास करते हैं अपने आप पर, तो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देगी। यूनिवर्स उसका साथ देगी जो खुद पर भरोसा करता है। एंड हेल्पफुल पीपल, आपको इस हफ्ते आपके मददगार लोग किसी भी बहाने किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, तो उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए। आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी चीज़ें इम्प्रूव करने में। तो ये थी आज की गाइडेंस। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि पॉजिटिव बहुत दिख रहा है, और निगेटिव से क्या बचने का ये यूनिवर्स ने बहुत अच्छा इशारा दिया है। तो प्लीज़, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइव ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, हर चीज़ में ना अपने आप को बचाने के लिए आपको बहुत मौका दिया जा रहा है। कहाँ, जब जो भी खेल चल रहा है वो आपके मन के अंदर चल रहा है, तो आपको निगेटिव इमोशंस और निगेटिव एनर्जी से बच के रहना है। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है। और पॉजिटिव तो बहुत, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सब कुछ बहुत नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।